लेकिन फिर भी रिस्क तो लेना पड़ेगा। और ये देख अब ये तीसरा ब्लास्ट। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए, और एक्सपेरिमेंट है क्या वो हमें आपको अभी पता लगने वाला है। आप जैसे कि मेरे हाथ में ये 10-15 लाइटर देख सकते हैं, अभी यही मिल पाए हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं तो ज़्यादा भी लाते। और इनके साथ हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपने अक्सर अपने घर में इनका इस्तेमाल किया होगा, और जो लोग स्मोक करते हैं वो तो अक्सर रखते हैं, और आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि मैं जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ लेकिन सिगरेट के लिए नहीं, आग लगाने के लिए। जी हाँ, हम भी आज आग लगाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी आग कितनी बड़ी होने वाली है वो आपको आगे चल के वीडियो में पता लगेगा। अब हम इन सब लाइटर को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद इनमें ब्लास्ट करेंगे और देखते हैं ब्लास्ट कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए हमारे दीपांशु भाई तैयार है, क्या आप तैयार हो? तैयार हो। तो चलिए चलते हैं मिशन की तरफ। अब हम इनको जल्दी जल्दी से ओपन कर लेते हैं, ये ऊपर कैसा है, ताकि ब्लास्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना बने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारा एक्सपेरिमेंट का सामान तैयार कर लिया है, और अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब इसके अंदर हम एक हल्का सा कपड़ा टाइप का फिर पन्नी वगैरह डालेंगे, और उसके अंदर डालेंगे फिर ये पेट्रोल। पेट्रोल कमी है क्योंकि महंगा हो चुका है, पेट्रोल कमी डालना पड़ेगा, और पेट्रोल डालने से होगा इसमें आग लगेगी, और हम अपने बचाव के लिए दूर भी दौड़ना पड़ेगा। तो हम अपने कैमरामैन से भी ये बात कहेंगे कि थोड़ा सावधान रहे और सतर्क रहे, वरना क्या पता क्या होगा वो अभी पता। तो चलिए चलते हैं, अब मैं इसमें पेट्रोल डालने जा रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से गीले हो जाए, क्योंकि ये खुद ही जलनशील होते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा लगभग आया था पेट्रोल से गए, अब इनको एक जहाँ मिला लेते हैं, और ये लगभग पेट्रोल में गीले हो चुके हैं। अब मैं पन्नी से में डालने जा रहा हूँ ताकि हम अपने बचाव के रूप में दूर तक दौड़ सके, और इसको भी हल्का पेट्रोल में गीला करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं पेट्रोल आया थोड़ा सा बाहर। अब मैं इसमें आग लगाने वाला हूँ, और लगाते ही तुरंत भागने वाला हूँ, 1-2-3। और यार हम दोबारा से आग लगाने वाले हैं। और यार आपने देखा पहला ब्लास्ट हुआ, बड़ा ही बेहतरीन ब्लास्ट था, शायद अभी भी लाइटर बचे हुए हैं। थोड़ा करीब जाकर देखना पड़ेगा, डर तो लग ही रहा है लेकिन फिर भी रिस्क तो लेना पड़ेगा। और ये देखा बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट, अब धीरे धीरे देखते हैं कितने ब्लास्ट होने वाले हैं, कितने लाइटर कारगर निकलने वाले हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, वरना ऐसे ही ब्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी और भी ब्लास्ट देखने को मिलने वाले हैं। धीरे धीरे बोतल को खाती जा रही है आग। ये तीसरा ब्लास्ट, अभी और भी लाइटर बची हुई है इसके अंदर। इसको दूर से देखने में बुलाया क्योंकि ब्लास्ट हो गए, क्या पता क्या हो जाए, स्किन का कोई पार्ट जले या फिर क्या हो। जैसे जैसे लाइटर में अंदर आग घुसती जा रही है, वैसे वैसे लाइटर के अंदर ब्लास्ट होते जा रहे हैं। और ये बड़ा ही बेहतरीन ब्लास्ट, एक और आग भी धीमी पड़ती जा रही है। और ये बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट एक और हुआ, आपने देखा लगातार कितने सारे ब्लास्ट हुए। अभी हमें लग रहा है 1-2 ब्लास्ट और भी हो सकता है, क्योंकि अभी लाइटर के अंदर जान बची हुई है। जैसे कि आपने देखा अब हमारे पास ये अवशेष बचे हुए हैं, लाइटरों के अवशेष बचे हुए हैं, जो लाइटर बच चुके थे ये जले, अभी इनके अंदर से गैस भी निकले। आपने जो छोटे छोटे ब्लास्ट देखे थे वो इन लाइटर के अंदर, आप देख सकते कितना बुरा इन लाइटों का किया है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट केवल हमारे ही यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।